हेलो एवरीवन माय नेम इज वर्थान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माइन ब्रिंस सो भाई माइनड ब्रिन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, है जहां पे आपको गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स मिल जाएगा

तो आज इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं तो यार आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर की फॉर योर क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस सो क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस के लिए शुरुआत कर रहे हैं एक नए चैप्टर से तो ये है एनसीआर का चैप्टर नंबर फोर विच इज क्यू अब क्यू एक्चुअली में है क्या तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है जैसे हम लोगों ने इससे पहले स्टाक देखा था स्टाकों से डेटा स्ट्रक्चर तो आपके सिलेबस में दो डेटा स्ट्रक्चर है विच इजाक एंड क्यू इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं बट अभी आपके जो सिलेबस में है वो दो ही है विच इज टैक एंड क्यू अब क्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हो जाता है बिकॉज काफी जगह इसका इंप्लीमेंटेशन है काफी जगह इंप्लीमेंटेशन है जब आ, आगे मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा तब आप समझोगे कितनी जगह जगह इसका इंप्लीमेंटेशन है अब ये चलो आगे तो हम देखेंगे देखेंगे सारे बहुत सिंपल सा मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका एग्जाम्पल दिखाता हूं कि जहाँ पे यूज होता है बहुत बार आपने देखा होगा कि यार जब आप जैसे सपोज अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे चले जाओ या किसी भी वेबसाइट पर चले जाओ वहां पर क्या बहुत सारे इमेजेस स्ट्रॉगल होती रहती हैं मतलब आप एक इमेज से दूसरे इमेज पर चले जाते हो फिर तीसरे इमेज पर चले जाते हो फिर चौथे इमेज पर चले जाते हो जैसे ही लास्ट इमेज पे पहुंचते हो लास्ट इमेज से फर्स्ट इमेज पे आ जाते हो ना ये कैसे होता है तो यार यहाँ पर हम एक क्यू का स्पेशल टाइप लगा रहे होते हैं विच इज सर्कुलर क्यू तो सर्कुलर क्यू का ये एक इम्प्लीमेंटेशन मतलब बहुत ज्यादा वेबसाइट डेवलपमेंट में ठीक है रियल वर्ल्ड में क्यू का बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं ठीक है बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट के समय तो बहुत जगह क्यू डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ती है क्योंकि ये दोनों बहुत बेसिक से डेटा स्ट्रक्चर से है विच इज स्टैक एंड क्यू बहुत ज्यादा यूज होते हैं जैसे हमने स्टैक देखा स्टैक बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर यूज होने वाला है काफी सारे रियल वर्ड एप्लीकेशन हमने देखे थे जैसे कि अंडू रीडू हो गया है ना या फिर वेब सर्फिंग में आगे पीछे का कहानी वो सब आपका स्टैक का काम है वैसे ही आप क्यू का भी देखोगे क्यू का भी जो इंप्लीमेंटेशन है जो एप्लीकेशन है वो बहुत कॉमन है बहुत जगह यूज होता है तो हम यही जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो चैप्टर जो आपका एनसीआरटी का फोर्थ चैप्टर है फॉर क्लास ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस शुरुआत करने वाले हैं इस वीडियो में और इस वीडियो में फिलहाल हम देखने क्या वाले इसका चैप्टर ओवरव्यू मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीजें जैसे कि आ, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे किस तरीके से चलेंगी चीजें वीडियोस आपको किस तरीके से आगे मिलेंगी रिलीज किस तरीके से होने वाली है तो वो सब आपको आइडिया पड़ जाएगा क्योंकि किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए एक आइडियल वे क्या है एक आइडियल सॉरी नॉट आइडियल 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 एक एक वे वे क्या है एक वे है किसी भी चैप्टर को पढ़ने का कि पहले बुक खोल लो चैप्टर खोलो चैप्टर को पूरा मतलब सारे टॉपिक्स देख लो आखिरी तक मतलब आपके दिमाग में टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए कि टॉपिक्स क्या, क्या क्या है तो वही चीज हम यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो एनसीआरटी का फोर्थ चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं क्या क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं ठीक है ताकि आप ये चैप्टर कंप्लीटली कवर कर लो तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में आगे देखेंगे बट वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए वे इज़ कि यार आपको जैसे पता ही है कि हमारी दो कंपनीज हैं एक है मैग्नेट ब्रेंस और एक है पैबली ये एक एजीटेक प्लेटफॉर्म है और ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है फिर तो अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल्ड डेवलपर हो आप में वो स्पार्क है हमारे साथ रोला कोस्टर राइट भी जाने के लिए तैयार हो सो अप्लाई हेयर It is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is magnetbrainshopal at the gmail.com दो बातों का ध्यान रखना है कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए ये होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट दूसरा सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे बुच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में और अगर हम पाते हैं कि आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट्स से मैच करते हैं देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू सो इफ यू आर रेडी इफ यू आर एक्साइटेड इनफ सो कॉमन अपलाई है अच्छा एक पॉइंट अगर आपको अभी लगता है कि यार सर अभी तो हमारे पास स्किल्स है ही नहीं ठीक है तो जस्ट लेट मी टेल यू दैट कि ये दो दिन का प्रोग्राम नहीं है ऐसा नहीं कि हमें दो दिन में डेवलपर्स हायर करना फिर चले जाना नो दैट इज नॉट द सी हमें जरूरत पड़ती रहती है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है आप इवन अपकमिंग ईयर्स में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो जैसे जैसे आप स्किल्स एक्वायर करते हो यू कैन अप्लाई है और ऐसा भी नहीं एक बार फेल हो गए देन यू कैन नॉट अप्लाई बैक अगेन नो दैट इज नॉट द सीन फेल हो फिर दोबारा अप्लाई करो जस्ट एक्वायर द स्किल्स जस्ट स्टडी फ्रॉम माई कोर्सेज एक्वायर द स्किल्स एंड अप्लाई है ओके सो दैट इज द सी दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और कीप अप्लाइंग है ठीक है जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते और अगर आपके जान पहचान में कोई है जो इंटरेस्टेड हो इस रोल के लिए सो यू कैन आस्क हिम और हर वेल टू अप्लाई हेर द प्रेसेस अगेन जस्ट द सेम ठीक है सो डोंट बी अफ्रेड जस्ट अप्लाई हेर यू विल कम टू नो द स्किल्स जो आपको पड़ने वाली है ठीक है तो आप में वो जो शाइगोन स्किल्स को सीखने का भी ठीक है

मेमोरी होल्ड करने की कंटेनर uh, है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमने डाल दी है जैसे कि स्टैक में क्या था स्टैक में ये था सपोज आपके पास एक कंटेनर है उसके अंदर आप चीजें डालते जा रहे हो तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, 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 एक आप चीजें डालते जा रहे हो तो उसमें क्या होता था जो सबसे लास्ट चीज गई है कंटेनर के अंदर वही सबसे पहले बाहर आएगी मतलब क्या था लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट

जो अगेन डेटा को होल्ड करने वाला है बट विद सम सम्रिक्शन वो रिस्ट्रिक्शन क्या है वही हमें यहाँ पे पता चलेगा मतलब इंट्रोडक्शन में वही देखेंगे फिर हम इस इंट्रोडक्शन में ये भी जानेंगे मतलब एग्जाम्पल के साथ पूरी चीजें मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे ठीक है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे क्यों के कि क्यों यूज करने के क्यों डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे पास और क्या क्या डिसएडवांटेजेस क्यों यूज करें क्यों ना यूज करें ठीक है तो वो सब चीजें हम यहां पे देखेंगे एक बार इंट्रोडक्शन मतलब हमें डेटा स्ट्रक्चर का एक एक सीन मतलब एक फील आने लग गया कि हाँ क्या है क्यों डेटा स्ट्रक्चर तो हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्यू के बाद हम आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्यू पे मतलब नेक्स्ट जो हम देखने वाले दैट इज एप्लीकेशन ऑफ क्यू एप्लीकेशन ऑफ क्यू में जो रियल वर्ड एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन है दोनों देखेंगे हम देखेंगे इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर का हम कहां कहाँ यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकली तो बहुत जगह यूज है ये लिटरली इसका मीनिंग क्यू का बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप लाइन लगाते हो आप अलग अलग जगह लाइन लगाते हो देखते हैं ना कि हम लाइन लगाते हैं अलग अलग जगह जैसे कि सपोज बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं ठीक है ठीके? तो वहां पे एयरपोर्ट पे बोर्डिंग के समय हम लाइन लगाते हैं ठीक है या फिर कभी भी किसी भी समय हम लाइन लगा जैसे स्कूल्स में अगर मैं कहूँ तो स्कूल्स में प्रेयर के समय हम लाइन लगाते हैं सो so, वही ये क्यों वही चीज़ है ठीक है ये क्यों वही चीज़ है और लो, लाइन लगाते समय थोड़े सा वो ऑर्डर हमारा खराब कर देते हैं क्योंकि सपोज हम सीधे सीधे लगे हुए वो अबाउट टर्न करके हमें मूव करा देते हैं ठीक है सो दैट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन वो कहानी यहाँ नहीं होगी यहाँ हम समझेंगे क्यों बेसिकली क्या है साथ में एप्लीकेशन सारे कवर करेंगे कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन भी और रियल एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स ठीक है इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा ऑपरेशंस एंड टर्म्स रिलेटेड टू क्यू अब जैसे कि हमने देखा था स्टैक में कुछ ऑपरेशंस थे ना जैसे कि पुश था पॉप था इज एम्प्टी, इज फुल था अंडरफ्लो, ओवरफ्लो था पीक था डिस्प्ले था वही सब चीजें यहां पर भी हैं यहाँ पे बस वो जो पुश है वो एन क्यू से कन्वर्ट हो चुका है मतलब एन क्यू बन चुका है जो पॉप है वो डी क्यू बन चुका है ठीक है तो वो हम यहां पे जान रहे होंगे कि वो बेसिकली कैसे होता है क्या होता है ऑपरेशन उनका क्या मतलब है इज एम टी इज फुल का कंडीशन देखेंगे यहाँ पे फिर पीक देखेंगे फिर सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे हम अंडरफ्लो ओवरफ्लो सब कहानी यहाँ पे देख रहे होंगे तो सारे ऑपरेशन और टर्म्स हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे जैसे हमारे पास अगर मैं कहूँ तो आ, मैं अगर इसकी बात करूँ स्टैक की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास टॉप होता था टॉप से इंसर्शन होगा टॉप से डिलीशन होगा यहाँ पे क्या होता है तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें और आ जाती है विच इज़ फ्रंट एंड रियर तो उन सब चीज़ के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लेंगे कि इंसर्शन कहाँ से होने वाला है डिलीशन कहाँ से होने वाला तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑपरेशन एंड टर्म्स रिलेटेड टू क्यू हम यहाँ कवर कर रहे होंगे

तो वो हम पहले देखेंगे और दूसरा फिर क्या देखेंगे एग्जाम्पल देख लेंगे कि किस तरीके से उसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं क्या मतलब है बेसिकली एक एग्जाम्पल की मदद से ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन अब हमने देख तो लिया कि क्यू क्या क्या कर सकता है ठीक है क्या क्या कैपेबिलिटी रखता है बट हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को बना कैसे सकते हैं पाइथन में यही हमारा मेन टॉपिक है ठीक है कि क्यू को किस तरीके से हम पाइथन की वजह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो पहले क्यू के बारे में पूरा ऊपर समझ लिया अब आगे इम्प्लीमेंटेशन में अब इम्प्लीमेंटेशन में भी दो वीडियो बना रखे हैं मैंने यहां पर भी दो वीडियो आपको देखने को मिलेंगे रीजन बीइंग कि यहां पर हम सबसे -सब पहले एक थियरिटिकल स्टडी लेंगे कि एक्चुअली में जो क्यू का इंप्लीमेंटेशन पाइथन में उसमें क्या क्या फंक्शंस लगने वाले हैं उनको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में है ना मतलब उसका स्यूडो कोड टाइप देखेंगे तो वो सब चीज़ हम यहाँ पे देख रहे होंगे पहले थ्योरी वाले पार्ट में और फिर प्रैक्टिकल में आपको मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके जाके आपको प्रैक्टिकली कोड करके दिखाऊंगा किस तरीके से पाइथन को हम इंप्लीमेंट कर सकते क्यू को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन ठीक है इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएशन इन क्यू अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है है इन क्यू मतलब कि यार देखो जैसे हमारे स्टैक स्टैक था एक ही टाइप का एग्जिस्ट करता है। क्यू नहीं है क्यू हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं ठीक है क्यू क्या है हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं जिसमें से मेन चार हैं मतलब एक तो बहुत सिंपल सा क्यू जो हमने ऊपर देख लिया इसके बाद एक सर्कुलर क्यू है एक प्रायोरिटी क्यू है और एक डी क्यू है देखो यहाँ वाला डी क्यू और यहाँ वाला डी क्यू में कंफ्यूज होने का दोनों डिफरेंट है जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ऑपरेशन में एक आएगा एन क्यू

ठीक है फिर एक हो गया प्रायोरिटी और एक यहां पे हो जाता है भाई डी क्यू अब ये डी क्यू और ये डी क्यू अलग है ये बेसिकली एक ऑपरेशन है जिसकी स्पेलिंग है डीई क्यू यू ई यू ई और ये क्या है ये एक टाइप का क्यू है विच इज डी ई क्यू यू दिस इज डबली एंडेड क्यू और ये एक ऑपरेशन है डी क्यू तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है डी ई क्यू यू एक टाइप का क्यू है और डी ई क्यू यू यू ई एक टाइप का ऑपरेशन है ठीक है तो इसके बारे में देखेंगे बाकी ये सिंपल तो हम देख ही चुके होंगे ऊपर पूरा ठीक है और ये सर्कुलर और प्रायरिटी डिटेल में नहीं है आपके स्टडी में ठीक है एक्चुअली इनकी हमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं फॉर नाउ ठीक है पाइथन में सर्कुलर की जरूरत ही नहीं पड़ती है ठीक है तो वो चीज़ हमें यहाँ पे मतलब यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी बेसिकली सर्कुलर और प्रायरटी हम यहाँ नहीं देखेंगे मेन जो हमारा है विच इज डी ठीक है तो हमारे लिए जो मेन स्टडी है विच इज ऑफ डी समय डी क्यू को डिटेल में पढ़ना है आगे ठीक है तो डी क्यू से हम डिटेल में और स्टडी करना शुरू करेंगे और सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे डी क्यू का तो डिटेल में इंट्रोडक्शन लेंगे डी क्यू का मतलब यहाँ वेरिएशन में थोड़ा बहुत डी क्यू के बारे में बताऊंगा बट यहाँ डिटेल में जान रहे होंगे और तो इंट्रोडक्शन वर्ड है बट हाँ डी क्यू के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन ले लेंगे हम

क्यू के बारे में जानेंगे फिर इंप्लीमेंटेशन जानेंगे फिर वैरायटी जानेंगे क्यू के क्या क्या है उसमें से एक वैरायटी के बारे में डिटेल में आगे स्टडी करेंगे तो ये कुछ आपका क्या है इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है और इस तरीके से पूरी कहानी आपकी चलने वाली है ऑफ क्यू तो क्यू के बारे में पूरा डिटेल में हम कुछ इस तरीके से जाने वाले हैं ठीक है और यही कुछ स्कीमा हम फॉलो करेंगे आगे तो जो आपको आगे वीडियोस देखने वाले कुछ इसी सेंस में देखने को मिलने वाले हैं सो आई होप आप कोई भी टॉपिक आपको बिल्कुल रैंडम नहीं दिखेगा आपको समझ में आ चुका है कि, कि किस तरीके से वीडियोज़ बेसिकली आगे आने वाले हैं तो आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीटली क्लियर हो चुके होंगे आई होप दैट एंड आई होप कि आप इन वीडियोज़ का वेट करेंगे बिकॉज़ क्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत मतलब डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जब भी आप किसी भी कंपनी में जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करूँ या किसी भी कंपनी की बात करूँ जहां पर आप सपोज प्लेसमेंट के लिए जाते हो आफ्टर ग्रेजुएशन में अभी की बात नहीं कर रहा हूं आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर आप सपोज इवन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हो आफ्टर ट्वेल्थ क्लास प्रोग्रामिंग के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हर जगह मतलब प्लेसमेंट के समय भी कॉम्पिटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके प्रोग्रामिंग की बात कर रहा करो बेसिकली मैं प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो इन डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना डिटेल में जानना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये जो क्यूब डेटा स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ ट्वेल्थ क्लास के लिए नहीं इलेवेंथ क्लास के लिए भी है ये ठीक है तो जो भी चाहे इसको पढ़ सकता है बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है कि हम एडवांस टॉपिक से शुरुआत कर रहे होंगे नहीं हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे होंगे ठीक है तो अगर सपोज नाइन टेंथ के भी कुछ बच्चे जिनको पाइथन आता है पाइथन क्योंकि मैंने सिखा रखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन सिखा रखा है नाइन टेंथ को भी तो अगर आपको पाइथन आता है नाइन टेंथ में तो भी आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं इलेवेंथ में पाइथन बेसिक देख ही चुके आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्वेल्थ वालों के लिए तो है ही ये सिलेबस में ही है तो ट्वेल्थ वालों तो देखेंगे ही ठीक है तो ये टॉपिक बिल्कुल देखिए बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है अगेन आई टोल्ड यू कि जब भी आप सपोज किसी भी कंपनी में आ, प्रोग्रामिंग के लिए आप जब टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है कि नहीं आता तो इवन इंटरव्यू में भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड सो so, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे ठीक है सो आई होप कि आप इन वीडियोस का वेट करेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टीच यू दिस टॉपिक बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ठीक है सो आई होप टू सी यू इन द अपकमिंग वीडियो राइट नो नेक्स्ट इज आर वेबसाइट विच इज मगनेट ब्रेन्स डॉट कॉम यहां पहुंचने के दो तरीके या तो आप यू आर एल सीधे सीधे सर्च कर लो माग्नेट डॉट कॉम ठीक है जैसी सर्च करोगे तब भी आप यहां लाइन कर जाओगे या फिर आप क्या करो गूगल पे टाइप करो मागनेट ठीक है तब भी आपके पास पूरी लिस्ट खुल जाएगी किसी पहली लिंक पे क्लिक करोगे तब भी यहां लाइन कर जाओगे दिस इज आवर होम पेज ठीक है अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इसमें से सीबीएससी के टू ट्वेल्व इंग्लिश पे क्लिक कर लीजिएगा ये पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा क्लास ट्वेल्थ पे क्लिक कर लीजिएगा तो क्लास ट्वेल्थ के अंदर मैग्नेट ब्रीन आपको जो जो कोर्सेज ऑफर करता है वो सब यहाँ पे ओपन हो जाएगा स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगी चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी किसी भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो ऑल यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहां होकर पढ़ सकते हो यहां आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा एन टी एस सी ओलम सी बी सी बोर्ड स्टेट बोर्ड एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पर यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट यस यू हर्ट दैट राइट फ्री ऑफ कॉस्ट दो चैप्टर से दो वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ कंप्लीट कोर्सेट या तो कंप्लीट कोर्सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और

अगर गाइस आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है प्लेलिस्ट पसंद आ रही है अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपका आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से सो हमारे साथ यानी कि माइगनेट बैंक से साथ जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंड से क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वी एक्सपेक्ट आप भी मैसेज इस तरीके से बने रहेंगे राइट मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच